एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एक ब्यूटीफुल होम डेकोर आइडिया। ये आप कॉम्पिटिशन्स के लिए भी कर सकते हैं और आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये इतना सुंदर और इजी है और वो हम बनाने वाले हैं वेस्ट मटेरियल से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड का कटआउट ले लिया है। ये मुझे कोई मेरे फोटो मैंने ऑर्डर किया था उसके साथ ये आया था। तो ऐसे आप अगर कोई पैकिंग वगैरह मंगाते हो तो उसमें ऐसे कटआउट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ ले लिया है और एक कोई पेपर ले लिया है। ये मेरा वेस्ट पेपर है, प्रिंट है इसके ऊपर, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने ये वेस्ट पेपर ले लिया है और इसे अंदर के साइड में यूज करूंगी। पीछे के साइड ये कम्प्लीटली वाइट है, कोई प्रिंट नहीं है। तो इस तरह से मैं इसे स्टिक कर दूंगी। इसे ये जो कार्डबोर्ड का कटआउट है इसे मैं कवर कर दूंगी इस वाइट पेपर से। तो इस तरह से आप कवर कर लीजिए। आप वेस्ट पेपर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है और ये आप कॉम्पिटिशन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्लू लगा दीजिए। मैंने यहाँ फेविकॉल A+ ग्लू यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आप लगा दीजिए। देखिए जैसे मैं कवर कर रही हूँ, आप भी इस तरह से इस बोर्ड को इस तरह से कट कर लीजिए। आपको जितना बड़ा फ्रेम बनाना है आप उतना ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ कोई साइज़ मेंशन नहीं कर रही हूँ। फिर भी अगर आप पूछते हैं तो मैं ये 15x7 का है ये शायद मेरा बोर्ड। तो आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं आपके हिसाब से। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको कवर कर लिया है अच्छी तरह से वाइट पेपर से। और यहाँ मैं रेड कार्ड स्टॉक ले रही हूँ। कार्ड स्टॉक मतलब जो जाड़ा वाला थोड़ा पेपर होता है। और इसको इस साइज़ के हिसाब से मैंने कर लिया है मार्क। और अब मैं स्केल से इसे अच्छी तरह से लाइन कर दूंगी। इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर की फ्रेम बनाना चाहती हूँ मैं। तो यहाँ 2.5 सेंटीमीटर का लाइन कर दूंगी मैं इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेम से थोड़ा बड़ा हमें ये कटआउट रखना है। तो ये देखिए इस तरह से अब मैंने कर दिया है। तो हमें बेसिकली ये चारों साइड चाहिए। तो इस तरह से अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए चारों साइड मैंने कर दिया है। ऊपर के साइड से भी हमें करना है। तो ये इस तरह से नीचे के साइड से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा फोटो अंदर स्लाइड हो सके। ये सबसे इजी फोटो फ्रेम आइडिया लेके आई हूँ मैं ये। तो इस तरह से हम साइड के कॉर्नर्स कट कर लेंगे ताकि ये फोल्ड करेंगे तो आसानी से कट हो जाएगा। तो आप जैसे मैंने वीडियो में बताया है आप वैसे ही करते जाइए। तो आप ग्लू लगा के इसे स्टिक करेंगे 3 साइड से और एक साइड इसका ओपन रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ फोल्ड करके इसे स्टिक कर देंगे। देखिए पीछे के साइड से ये इतना क्लीन वर्क मैं यहाँ कर रही हूँ। ऐसे वर्क आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई करिए और ये किसी को आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। देखिए हमारी फोटो फ्रेम रेडी है। अब इसे डेकोरेट करेंगे हम। तो यहाँ मैं एक सर्कल ले रही हूँ इस तरह से। तो आप कोई भी रेड कलर के, मैंने यहाँ 2 शेड लिए हैं, सर्कल ले लिया है, सर्कल कट कर लिया है। और इस तरह से मैं यहाँ स्पाइरल बना रही हूँ इसका। ये देखिए तो मैंने यहाँ बहुत सारे एक साथ ले लिए हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ जो ये कॉर्नर थोड़ा सा बना हुआ है उसे भी हम कट कर लेंगे। फिर मैं यहाँ छोटे छोटे स्लिट्स मार रही हूँ सीजर से। ये यहाँ मैं एक फ्लावर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एक रोज़ बनाने की, वो भी रियल लुक वाला। तो ये वाला जो फ्लावर है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना स्टाइल है। तो इस तरह से आप कट कर लीजिए और फिर सारे पेपर को अलग कर लीजिए आप, ये देखिए। और फिर अब मैं यहाँ टूथपिक लूँगी, इस तरह से इसे रोल करते जाऊँगी जो हमने छोटे छोटे स्लिट्स मारे हैं वहाँ, ताकि जो अब मैं फ्लावर बनाऊँ, रोज़ बनाऊँ, वो एकदम ओरिजिनल लुक आए इसका। तो इस तरह से आप फोल्ड करते जाइए, थोड़ा सा रोल कर लीजिए टूथपिक के हेल्प से या कोई रिफिल के हेल्प से। तो इस तरह से मैंने यहाँ क्विलिंग का नीडल लिया है और अब मैं इसे फोल्ड करते जाऊँगी। तो ये देखिए पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी क्विलिंग नीडल की और फिर आप आसानी से इसे रोल कर सकते हैं। तो ये एकदम ओरिजिनल रोज़ बन के रेडी हुआ है, ये देखिए। और फिर लास्ट में इसे ग्लू कर दीजिए आप, दैट्स इट। ये देखिए कितना आसान था ना ये देखिए एकदम आपको लग रहा है रोज़ की तरह इसके पेटल्स है ना। तो इस तरह से मैंने सारे कर लिए हैं। ये मैंने 3 अलग शेड के लिए है और 2 डार्क शेड के। तो आप इस तरह से एक के बाद एक लगा दीजिए ऑल्टरनेट। कोई भी पैटर्न आप एज यूजुअल फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए चिपका दीजिए इस तरह से। तो देखिए मैंने कर दिया है। और दूसरी साइड में यहाँ पिंक, लाइट पिंक कलर के फोम शीट, ग्लिटर फोम शीट के हार्ट कट किए हैं छोटे बड़े। तो यहाँ मैंने लिए हैं लाइट पिंक, डार्क पिंक और वाइट कलर, 3 कलर लिए हैं। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। आप रेड के शेड्स भी ले सकते हैं। यहाँ रेड जो पेपर हमने लिया है, बट मैंने वहाँ रेड यूज़ किया है तो मैं यहाँ थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन करना चाहती हूँ। तो लाइट पिंक, डार्क पिंक एंड वाइट और ये ग्लिटर फोम शीट यूज़ किया है। इसे इस तरह से ग्लू की हेल्प से आप एक के ऊपर एक इस तरह से स्टिक करते जाइए। ये देखिए कितना सुंदर फ्रेम बनके रेडी है। ये किसी को आप बर्थडे एनिवर्सरीज पे भी गिफ्ट कर सकते हैं, तो ये परफेक्ट गिफ्ट आइडिया भी है और परफेक्ट होम डेकोर भी है। तो इस तरह से आप स्टिकर करते जाइए, आपको जितने हार्ट्स लगाने हैं आप उतने हार्ट्स यहाँ लगा सकते हैं। तो छोटे बड़े अलग अलग साइज के आप हार्ट्स इस तरह से ओवरलैप कर दीजिए, एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक, इस तरह से ओवरलैप करते जाइए। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप इसे स्टिक कर दीजिए। देखिए ऑलमोस्ट रेडी है हमारा फ्रेम, तो इस तरह से स्टिक कर दीजिए। अगर आपके पास स्टिकर वाले ग्लिटर फोम शीट है तो इस तरह से आप स्टिकर निकाल के भी स्टिक कर सकते हैं, या तो ग्लू से आप स्टिक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ थोड़े छोटे वाले हार्ट्स। तो दैट्स इट, रेडी है। तो अब मैं यहाँ सिल्वर पेन लूँगी और थोड़े अपने फ्लावर को ओरिजिनल लुक देने के लिए मैं सिल्वर ग्लिटर पेन का यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर इस तरह से मैं लाइंस बना रही हूँ। ये देखिए, तो इसको थोड़ा हम इफ़ेक्ट दे रहे हैं, शाइनी इफ़ेक्ट। तो इस तरह से आप कर लीजिए सिल्वर पेन से। अगर सिल्वर पेन नहीं है तो आप सिल्वर कलर हाथ में लेके इस तरह से इसके उंगलियों के हेल्प से आप कर सकते हो। तो यहाँ मैंने एक और जो केक का नीचे बेस आता है वो मैंने लिया है और इस तरह से इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में मैं फोल्ड कर रही हूँ और इसको पीछे लगाऊंगी फ्रेम के पीछे, ताकि हमारा फ्रेम खड़ा हो सके। या तो आप पीछे हुक लगा सकते हैं टांगने के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ ग्लू लगा के स्टेपल भी कर दिया है। तो आप ये कर दीजिए, ट्रायंगल जैसे बना दीजिए ताकि हमारा फ्रेम इसके ऊपर स्टिक हो जाए और फ्रेम खड़ा हो जाए। तो यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ ऊपर के साइड से आप कोई भी फोटो डाल सकते हैं और यहाँ मैं इस तरह से ये जो बेस हमने बनाया है उसे अब हम स्टिक कर लेंगे। ये देखिए, ताकि हमारा फ्रेम खड़ा हो सके। तो ये पीछे का बेस भी रेडी है। अंदर आप फोटो आपको जो डालना है ऊपर से स्लाइड कर दीजिए। तो ये क्या वन टाइम फ्रेम नहीं है, आप इसमें फोटोज भी चेंज कर सकते हो। देखिए कितना सुंदर फ्रेम बनके रेडी है ना ये। तो कोई भी फोटो आप लगा दो, जिसको गिफ्ट करना आप दे दो। और इस तरह से देखिए मैंने यहाँ स्टैंड भी लगा दिया है, तो ये एक टेबल पे आप रख भी सकते हो आपके बेड के साइड पे। तो किसी को गिफ्ट करिए बर्थडे पे, एनिवर्सरीज पे, या ऐसे ही आपके होम डेकोर के लिए बनाइए। वेस्ट में से बनाया है ये, फ्लावर्स कितने प्रिटी लग रहे हैं। मुझे तो ये फ्रेम बहुत पसंद है और मेरे घर पे रखा हुआ है एज अ होम डेकोर। इसमें मैंने मेरे बेटे का फोटो डाला हुआ है और मैं इसे चेंज करती रहती हूँ। तो कैसे लगा आपको ये आइडिया? लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन हैप्पी आर्टी एंड क्राफ्टी। थैंक यू।